तो वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस सरफेस एनर्जी, राइट। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है सरफेस पे, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। सिर्फ सरफेस वाले नहीं, इस लिक्विड फिल्म में लाई करने वाले जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सब क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, उसका डेफिनेशन ये है कि अगर हम लोग इंटरनल यहां से कोई एक मॉलिक्यूल, जैसे मानो ये ए, अगर ए को हमें इधर लेके आना है, सरफेस पे लेके आना है, तो अभी वो बेचारा जैसे ही इस रीजन में घुसेगा आरएस में, वो क्या एक्सपीरियंस करना शुरू करेगा, वो एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू करेगा। यानी अगर इस मॉलिक्यूल ए को हमें ऊपर लेके जाना है, तो जब ये लेयर शुरू हो जाएगा यानी आरएस, तो आरएस से लेकर पी क्यू तक ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा होगा, एक डाउनवर्ड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है ऊपर, करेक्ट। तो इस डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट आपको एक उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाना होगा, सही है। तो जो नेट डाउनवर्ड फोर्स है आपको उसके अगेंस्ट क्या लगाना होगा, नेट अपवर्ड फोर्स, यानी उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कहां लगना होगा, वो ऊपर लगना होगा, राइट। वी हैव टू वर्क अगेंस्ट दिस इंटरनल फोर्स, जो ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है, जो नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इस रीजन में। तो अगर इस मॉलिक्यूल को हमें बल्क से सरफेस पे लेके जाना है और जब वो आर एस से पी क्यू में जाएगा तो उस पर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, तो हमें इसके अगेंस्ट वर्क करना होगा। वी हैव टू वर्क अगेंस्ट दिस इंटरमॉलिकुलर फोर्स एंड दैट वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज व्हाट, विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट। देखिए जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर, एक्चुअली वो मॉलिक्यूल्स कैसे मूव कर रहे हैं, वो रैंडम मोशन में है, यस नो। वो मॉलिक्यूल्स है वो किस तरह मूव कर रहे हैं, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एक्चुअली फ्री टू मूव, दे आर एक्चुअली फ्री टू मूव, करेक्ट। उनका कोई एक फिक्स प्लेस नहीं होता, उनका कोई एक क्रिस्टल लेटाइज नहीं होता, कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, है कि नहीं। दे आर फ्री टू मूव, तो दे आर हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, दे आर हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी, उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो जब वो मॉलिक्यूल्स इस रीजन पे घुसते हैं, जैसे ही है जो रीजन है आर एस से पी क्यू वाला, इस रीजन पे जैसे ही वो घुसते हैं तो उनका जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। जो भी मॉलिक्यूल यहां पहुंचा उसके ऊपर क्या लग रहा है, एक नेट डाउनवर्ड फोर्स, और उसका अगर मान लो वेलोसिटी ऊपर है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नीचे है और बी ऊपर है, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, और यही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यहां पे क्या हो रहा है, यहां हो रहा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। और आप जानते हैं कि अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, मतलब हम यही बोल सकते हैं कि हो रहा है एक तरह से लॉस इन इंटरनल एनर्जी, लॉस इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड का, फ्लूइड का या गैसेस का, वो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका इंटरनल एनर्जी, ये हम लोगों ने पढ़ा है गैसेस स्टेट में, है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं जब ये इस रीजन पे जाएंगे तो इनका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उनका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, यानी देयर इज अ लॉस इन इंटरनल एनर्जी, देयर इज अ लॉस इन इंटरनल एनर्जी, एंड दिस लॉस इन इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली कन्वर्टिंग इनटू सरफेस एनर्जी, इज कन्वर्टिंग इनटू सरफेस एनर्जी, मतलब बेसिकली देयर इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेसिकली देयर इज आल्सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर सरफेस एनर्जी बढ़ रहा है तो वो एनर्जी आया कहां से, अगर सरफेस एनर्जी बढ़ रहा है तो वो एनर्जी आया कहां से, तो सरफेस एनर्जी बढ़ रहा है एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो जो मॉलिक्यूल्स जैसे उस रीजन में घुस जाते हैं इस लिक्विड फिल्म में, तो दे आर एक्सपीरियंसिंग नेट डाउनवर्ड फोर्स, तो उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज दैट देयर हैज टू बी सम, क्योंकि एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, राइट। तो वी हैव टू वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स, सम एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी देयर टू वर्क अगेंस्ट दिस फोर्स, करेक्ट। तो आप देखिए यहां पे ये दो अंडरस्टैंडिंग चल रहे हैं, एक अगर एक्सटर्नल सोर्स हो, एक क्या हो, कोई एक्सटर्नल सोर्स हो जो उसको एनर्जी दे इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने के लिए, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा इस सिस्टम का, तो टेम्परेचर क्या रहेगा सिस्टम का, कांस्टेंट रहेगा। यानी
इस इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करना है उसको सरफेस पे जाने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी अगर कोई सोर्स प्रोवाइड कर दे, मान लो नीचे आपने एक कनेक्ट कर दिया, आपने उसको हीट दे रहे हैं आप, यानी आप एक्सटर्नल बर्नर लगा दिया आपने, कोई एक्सटर्नल सोर्स से आप एनर्जी दे रहे हो, तो उसको जो वर्क करना पड़ेगा इस इंटरनल मॉलिक्यूल इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होगा, वो उसको एक्सटर्नल सोर्स से मिल जाएगा, तो भी इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या रह सकता है, कॉन्स्टेंट रह सकता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है इस सिस्टम को या इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा लॉस इन इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी या फिर लॉस इन इट्स ओन इंटरनल एनर्जी, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो सकता है, इसका टेम्परेचर फॉल हो सकता है। समझ में आ रहा आपको? तो पॉइंट ये है, तो कुल मिला के बात ऐसा है यहाँ पे कि जब मॉलिक्यूल्स यहां से यहां जा रहे हैं इस रीजन में, करेक्ट, जब वो यहां से यहां इस आरएस से पीक्यू में जा रहे हैं, तो कुल मिला के जो यहाँ पे वर्क डन है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, तो वो यहाँ लिखा गया है, द मॉलिक्यूल्स ऑन द लिक्विड सरफेस एक्सपीरियंस द नेट डाउनवर्ड फोर्स, सो टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द लिक्विड टू इट्स फ्री सरफेस सम वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन, यू हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है, सो दैट द मॉलिक्यूल्स कैन मूव अगेंस्ट दैट फोर्स एंड रीच द सरफेस, सही है, एंड दैट वर्क डन will be stored as potential energy of the molecules lying at the surface. जो molecules surface पे वो उनका क्या बन जाएगा? Potential energy बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? Surface energy कहते हैं। ये समझ में आपको? तो यहाँ पे हम एक चीज़ सोच सकते हैं कि जो surface पे molecules हैं, उनके पास ज़्यादा energy है। Simple terms में हम सोच सकते हैं कि जो molecules surface पे, उनके पास ज़्यादा potential energy है। समझ में आ रहा आपको? क्योंकि वर्क डन एक्सटर्नल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स कहां लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो एक्सटर्नल वर्क डन क्या है, पॉजिटिव, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव, यानी जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उनका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। समझ में आया आपको? यानी सरफेस जो है वो थोड़ा अनस्टेबल है, करेक्ट, तो जितना बड़ा सरफेस होगा, जितना बड़ा सरफेस होगा, राइट, इफ सरफेस एरिया इज मोर, इफ सरफेस एरिया इज मोर, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इफ सरफेस एरिया इज मोर, इफ सरफेस एरिया इज मोर देन सरफेस एनर्जी विल बी मोर, देन द सरफेस एनर्जी विल ऑल्सो बी मोर, एंड इफ द सरफेस एनर्जी इज मोर देन द सरफेस विल बी अनस्टेबल, द सरफेस विल बी अनस्टेबल, इसलिए जो हमने पहला डेफिनेशन पढ़ा सरफेस टेंशन का, उसमें क्या लिखा था कि द सरफेस टेंशन और दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय विच इट ट्राइज टू मिनिमाइज द एरिया, अगर आप देखेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा था कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय विच इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया, इट्स सरफेस एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन, तो व्हाई दैट इज हैपनिंग, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एनर्जी उतना ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा होगा, उतना वो अनस्टेबल होगा, देयरफॉर अगर सरफेस एरिया थोड़ा भी कम हो जाता है तो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो उसका सरफेस क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो ये कंसेप्ट है सरफेस एनर्जी का, ठीक है।